एक बार की बात है, एक गांव में राजू और रवि नाम के दो आइसक्रीम व्यापारी अगल बगल के घरों में रहा करते थे। राजू बहुत सरल और अच्छा इंसान है। वह गरीब था, इस कारण एक छोटा आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर अपना जीवन बिताता था। रवि घमंड और ईर्ष्या स्वभाव का था, राजू की उस छोटे ट्रक को देखकर उसका मजाक उड़ाता था। हर दिन सुबह राजू और रवि आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे। स्कूल का समय होते ही दोनों वहां पहुंचते थे। स्कूल के सारे बच्चे राजू के पास ही आकर आइसक्रीम खरीदते थे। रवि का आइसक्रीम ट्रॉली तो बहुत सुंदर और बड़ी थी, लेकिन कोई भी रवि के पास आकर आइसक्रीम नहीं खरीदता। उतने में एक गरीब लड़का रवि के पास आकर कुछ खाने के लिए मांगता है। रवि उससे चिढ़कर वहां से चले जाने को कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो गया, एक बेंच पर बैठकर भूख से रोने लगा। राजू को उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर अपनी बचपन याद आई। राजू की बचपन भी ऐसे ही भी थी, वो भी एक अनाथ था। राजू बच्चे के पास गया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा। पूछा, छोटू तुम्हारा नाम क्या है, तेरे कोई नहीं है क्या? बच्चा उदास होकर कहा, मैं अनाथ हूँ, आप मेरा नाम छोटू ही समझ लीजिए। राजू बोला, बेटा मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा करूँगा, स्कूल भी भेजूँगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोटू बहुत खुश होकर राजू के साथ चला। इसी बीच में राजू अपने ट्रॉली का बात ही भूल गया। गर्मी की वजह से सारा आइसक्रीम पिघल गई। अब राजू भी कुछ नहीं कर सकता। उदास होकर छोटू को भी अपने साथ लेकर घर चला गया। आज तो छोटू आराम से सो गया, लेकिन राजू सोचता हुआ पूरी रात संकट में बिताई। अगले दिन सुबह रोज की तरह राजू आइसक्रीम बेचने अपने ट्रॉली को लेकर तैयार हो गया। छोटू से कहा, घर वापस आते समय मैं तुम्हारे लिए जरूरत चीजें लेकर आऊंगा। ऐसे कहकर राजू सोचता हुआ वहां से निकल पड़ा। राजू को रास्ते में एक मुनि नजर आए। राजू मुनि के पास जाकर प्रणाम किया। मुनि ने राजू से पूछा, क्या समस्या है? राजू बोला, मैं अपने इस छोटे गाड़ी से अब तक जीवन चला रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे एक बालक का भी ख्याल रखनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके सारे जरूरतों को कैसे पूरी करूँ। आप ही इस समस्या का परिष्कार कीजिए। मुनि ने कहा, मैं सब समझ गया, मैं तुझे एक बड़ा जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ, अब यही तुम्हारे समस्याओं को संभालेगी। राजू खुशी से मुनि को धन्यवाद करके उस ट्रॉली को लेकर चला गया। रास्ते में आइसक्रीम भेजता हुआ जा रहा था। इतने में उसको शक लगा कि इतने सारे आइसक्रीम कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो इतना नहीं लाया। वह डब्बे को खोलकर देखा तो राजू चौंक गया। उसको समझ आ गया कि ये सब मुनि की महिमा है। रोज की तरह राजू स्कूल के पास आ गया। रवि को राजू की इस नए ट्रॉली को देखकर जलन होने लगा। राजू को इस दिन अच्छा व्यापार हुआ, बहुत पैसे भी मिले। उन पैसों से राजू छोटू के लिए नए बैग, पुस्तक, कपड़े खरीदकर घर लौटा। छोटू बहुत खुश हो गया। अगले दिन राजू छोटू को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचा। उसी स्कूल में छोटू को ज्वाइन कर दी। राजू का व्यापार अब अच्छी तरह चल रही थी। कुछ दिनों के बाद राजू का जीवन कुछ ज्यादा ही बदल गया, बहुत धनवान हो गया। छोटू भी बहुत खुश है। रवि राजू की इस खुशी को सह नहीं पाया। उसको लगा, क्या ये आदमी आइसक्रीम बेच के इतना ज्यादा कैसे कमा रहा है? जरूर इस ट्रॉली में कुछ तो गड़बड़ है।
मैं आज रात ही इस बात को पता लगाऊंगा। रात का समय सब लोग सोने के बाद रवि चुपके से राजू की आइसक्रीम ट्रॉली के पास आकर ट्रॉली के अंदर देखा। उसको तो खाली आइसक्रीम छड़ी दिखाई पड़ी, लेकिन शक के कारण रवि एक हथौड़े से मार मार कर उस ट्रॉली का सर्वनाश कर दिया। रवि को लगा कि कोई जाग गया है, वह तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह उठकर घर से बाहर आकर देखा तो वह चौंक गया, उसकी ट्रॉली तो टूट गई थी। रवि राजू की ट्रॉली को देखा, वह तो ठीक है। रवि अपना सर पकड़कर रोने लगा।